यस फ्रेंड्स, तो अब स्क्रीन पर जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है हम इसको सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम सीए फाइनल 9 मई 2012 की क्वेश्चन नंबर 4 है। पढ़ने एक बार। एजी लिमिटेड मेक्स टू प्रोडक्ट ई एंड जेड। ऑल यूनिट्स वर सोल्ड, देयर इज नो इन्वेंटरी बिल्डअप। प्रोडक्शन फैसिलिटी मे बी यूज इंटरचेंजेबली फॉर बोथ द प्रोडक्ट। सेल यूनिट्स आर लिमिटेड फैक्टर। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट दे रखा है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है। प्रपोज इंक्रीज बता दिया इन्होंने, सेल यूनिट्स में ये इंक्रीज होगा। ओके, वेरी गुड। फॉर इंक्रीज इन क्वांटिटी अबव 4000 यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट। फॉर ईच प्रोडक्ट पे आप अंडरलाइन कर दें। देयर विल बी एन इंक्रीज इन द वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट फॉर द इंक्रीज्ड पोर्शन ओनली, देयर बाय रिड्यूसिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट टू द फॉलोइंग फिगर्स। देखिए, 3000 यूनिट तक अभी जो ऊपर है वो ₹25 कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। इन्होंने बोला 4000 से ऊपर अगर जाएगा तो ई का कॉन्ट्रीब्यूशन ₹20 होगा, यानी कि 4000 तक भी 25 ही रहेगा। ओके, फॉर द प्रेजेंट लेवल फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट विद द प्रेजेंट प्रोडक्ट। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ इंक्रीमेंटल यूनिट्स टू बी सोल्ड टू रिकवर द एडिशनल फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹47,000। ओके, टू बी इनकर्ड नीड नॉट बी मेंटेन। If you are allowed to choose the best product mix for the incremental level while taking the present mix in the first table above the present level, what would be the individual product mix quantity that the corresponding total contribution, the total average contribution per unit and the total profit for the completed production? Okay. अच्छा question है, 8 number के हिसाब से justified है। चलिए समझ लें इस question को। पहले तो हमसे पूछा है कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। तो हमारे पास जब मल्टीपल प्रोडक्ट होते हैं तो हमें पता है ग्रुप ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं हम लोग। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू होगा कम फिक्स कॉस्ट अपॉन कंपोजिट और ग्रुप पीवी रेशियो, ग्रुप सीपीयू। सो कंपोजिट सीपीयू क्या होगा, देखिए हमारे पास, इसको कलर चेंज कर लें। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन टोटल यूनिट्स दैट इज इक्वल टू, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 3000 इंटू 25 प्लस 2000 इंटू 20 अपॉन 5000, तो ये आ जाएगा हमारा 75000, 1,40,000, 1,15,000 अपॉन 5000, 23 रुपीज पर यूनिट। सो ये बेसिकली ग्रुप ब्रेक इवन पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपन ग्रुप पीवी, ग्रुप सीपीयू। फिक्स कॉस्ट कितनी है देखो जरा, 46,000 अपन 23, 2000 यूनिट्स। सो इजी नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर ब्रेक इवन पॉइंट 2000 इंटू 3/5 1200। एंड दूसरा प्रोडक्ट कौन सा है, ई, दूसरा है जेड 800 इंटू 2/5 करेंगे तो पहला आंसर तो आ गया मेरा कि ई की मुझे 1200 यूनिट चाहिए और जेड की 800 यूनिट चाहिए। अब दूसरा पार्ट, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ इंक्रीमेंटल यूनिट टू बी सोल्ड टू रिकवर द एडिशनल फिक्स कॉस्ट। ओके, ये पहला पार्ट है।
अब दूसरा पार्ट, एडिशनल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 47,500, यही है? हाँ जी। लेस रिक्वायर्ड फ्रॉम 1000 यूनिट ऑफ ई, 1000 इंटू 25, 25,000, ये कौन सी है? ये 1000 है 3000 टू 4000 वाले। फिर लेस करा हमने फिर 1000 यूनिट ऑफ ई, अब ये कौन से है? ये 1000 यूनिट्स है 4000 टू 5000 और 1000 यूनिट ऑफ जेड। अब देखिए हमारे पास ई की हमने 3000 यूनिट बेची है, तो 3 से 4000 तक तो हम पहुंच गए। अब 4 से 5000 जाएंगे तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन 20 रुपए हो जाएगा। या अगर मैं जेड की 2000 से 3000 भी जाऊंगा तो भी मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन 20 ही रहेगा। और 1000 यूनिट ऑफ जेड, ये कौन सी? 2000 से जब हम 3000 जाएंगे तब, तो ये कितना होगा? 1000 इंटू 20। अब मुझे जो बैलेंस बचा ये जो बैलेंसिंग फिगर बची ये कितनी बची? 2500। तो फ्रॉम 125 यूनिट ऑफ ई और 125 यूनिट ऑफ जेड, किसी भी की 125 यूनिट्स ले लें। सो एडिशनल यूनिट टू रिकवर एडिशनल फिक्स कॉस्ट ऑफ 47,500। दो ऑप्शन है मेरे पास, ई और जेड टोटल। पहले ऑप्शन में मैं ई की 2000 यूनिट कर दूं और जेड की 125 करूं, और दूसरे ऑप्शन में ई की मैं 1000 यूनिट ही करूं और जेड की मैं 1125 कर दूं, ठीक है? और या तो ये या फिर सेकंड। तो ये दो ऑप्शन मैंने चूज किए हैं। एक बार फिर से समझा देता हूं, मेरी ई की कितनी यूनिट्स हैं? 3000। और हमारा जो रेट रिड्यूस हो रहा है वो कब से हो रहा है? 4000 से रिड्यूस हो रहा है। तो यानी कि 3000 से 4000 तो मेरा कंट्रीब्यूशन 25 ही रहेगा। तो पहले में केस में मैंने 25 लिया, वो ई से ही लिया। अब मैं 4000 से 5000 जाऊं तो मैं ई से जा सकता हूं, ठीक है ना? तो अगर मैं ई से गया तो फिर 5000 के बाद मेरा रेट कम हो जाएगा। देन मैंने ई को 2000 ले लिए और 125 मैंने जेड का ले लिया, या फिर जेड में मेरे पास यहां 2000 यूनिट थी और मेरा रेट जो कम होना था वो जब 4000 यूनिट के ऊपर जाऊंगा तब कम होना था, तो मैं तो यहां 1125 यूनिट बढ़ा रहा हूं। क्लियर? तो ये कॉम्बिनेशन बनाया मैंने, इतनी यूनिट्स होती है। इन क्वेश्चंस की समझ के इनकी प्रेजेंटेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैसे आपने करना है? नहीं, घूमते रहिए, 50 स्टेटमेंट बनाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए तीसरा पार्ट देखेंगे और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, थर्ड पार्ट।
और ये स्टार लगा रहा हूं मैं इस पे, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला इफ यू आर अलाउड टू चूज द बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स फॉर द इंक्रीमेंटल लेवल, ओके, इंक्रीमेंटल लेवल के लिए उन्होंने कहा बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स करिए व्हाइल टेकिंग द प्रेजेंट मिक्स गिवन इन द फर्स्ट टेबल अबव फॉर द प्रेजेंट लेवल, व्हाट वुड बी द इंडिविजुअल प्रोडक्ट क्वांटिटी एंड द करस्पॉन्डिंग टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन एवरीथिंग। चलिए तो देखिए, अभी हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमल प्रॉफिट विद बेस्ट मिक्स। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट ई है, ये हमारा प्रोडक्ट जेड है, और ये बात हो गई टोटल। यहां पर हम बात करेंगे यूनिट्स, और यहां बात करेंगे हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की। ठीक है, ये टोटल यूनिट्स हो जाएंगे। चलिए पहले हम प्रेजेंट लेवल की बात करें, तो इसकी 3000 यूनिट है 25 रुपए से, इसकी 2000 यूनिट है 20 रुपए से, बिल्कुल सही है। अब देखिए नेक्स्ट 1000, तो मैं किसकी चूज करूंगा, इसकी ही चूज करूंगा, ये मेरी 5000 यूनिट हो गई। अब ये कितनी हो गई, 1000। क्लियर। अब ई का 4000 का लेवल पहुंच गया है, तो नेक्स्ट 1000 तो मैं इसकी बढ़ाऊंगा, 20 रुपए ये देगा, और 1000 मैं इसकी बढ़ाऊंगा, 20 रुपए ये देगा, और मेरी 2000 यूनिट और बढ़ा दी मैंने। इसके बाद नेक्स्ट, अब मैं इसको नहीं बढ़ाऊंगा, क्यों, 5000 यूनिट के बाद सेल पॉसिबल ही नहीं है, नहीं 5000 से 6000 में पॉसिबल है, कोई बात नहीं। पहले हम ये देखते हैं कि जेड में हमारे पास ऑप्शन क्या है, तो जेड में अभी हमने 3000 यूनिट बेची है, तो हम 1000 यूनिट और बेच देते हैं जेड की, किस रेट से, 20 के ही रेट से। ठीक है, चलिए, तो अब मुझे ये जो टोटल क्वांटिटी है इंक्रीज कितनी करनी थी, मुझे 4000 क्वांटिटी इंक्रीज करनी थी, तो मैंने 4000 क्वांटिटी इंक्रीज कर दी है। ये कितनी है, ये 4000 ही है कि नहीं, 4000 क्वांटिटी जो मेरी इंक्रीज हुई, उनका जो ऑप्टिमम मिक्स आया वो क्या आया, 5000 यूनिट इसकी और 4000 यूनिट इसकी। अब प्रॉफिट निकालना है तो वो भी कर लीजिए कैलकुलेशन, ये कितना होगा, ये 75,000, ये 25,000, ये 20,000, तो ये हो गया 1,20,000, ये 40,000, 20,000, 20,000, तो ये हो गया मेरा 80,000, तो टोटल कितना हो गया, 2,00,000। चलिए वो कोई दिक्कत नहीं। सो क्या पूछा था इन्होंने, व्हाट वुड बी द इंडिविजुअल प्रोडक्ट क्वांटिटी, सो इंडिविजुअल क्वांटिटी देख ली हमने 5000 यूनिट, ई की 5000 और जेड की 4000 यूनिट, एंड करस्पॉन्डिंग टोटल इसका है 1,20,000
और इसका है 80,000। तो टोटल 9,000 यूनिट का जो कंट्रीब्यूशन हुआ वो कितना हुआ, 2,00,000। एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आएगा, 2,00,000 / 9,000, 22 रुपए 22 पैसे। अच्छा जी, प्रॉफिट कितना होगा, 2,00,000 - 93,500। ये फिक्स कॉस्ट है भाई साहब, 1,06,500 रुपए की। 46,000 की पहले थी और 47,500 की इंक्रीज हो गई थी। और कुछ पूछा है? नहीं। तो क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन अच्छी थी, यही एक चीज सीखने की है। थैंक यू एंड गुड डे।